गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी पेरिस स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी के साथ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। हमें पता है कि हम लास्ट ईयर 2020 के यूपी पीसीएल TG2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमने एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा दिया है। जो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल पाए। 19 मार्च का जो शिफ्ट वन पेपर था, इसका डिस्कशन हो चुका है। शिफ्ट वन पेपर को 19 मार्च को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया है। 25-25 क्वेश्चंस करके दो छोटे छोटे वीडियो हमने क्रिएट किए हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसके क्लासेस को फाइंड कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, 19 मार्च शिफ्ट टू है ना, 19 मार्च शिफ्ट टू, इसमें क्वेश्चन वन से क्वेश्चन 25 तक हम लोग चलेंगे। तो आइए आप सभी प्यारे स्टूडेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोगों का एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट है आपके साथ, उसका बेनिफिट हमें मिल पाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, बिना समय गवाए, बिना समय खराब किए। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 19 मार्च का आपका शिफ्ट टू होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। लाइनेक्स एक है, एक क्वेश्चन हमारे सामने बना हुआ है। अब आप बताइएगा लाइनेक्स एक क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, एडवेयर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइनेक्स हमारा है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर यहाँ कहेंगे, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाता, ध्यान रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि OS है। तो लाइनेक्स यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू बहुत बेहतरीन सवाल है, जितनी तारीफ मैं करूं उतना कम होगा। और आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में एक जरूर मिलता है। आप देखिएगा समीकरण दिया गया है, इसमें इक्वल 1-4 प्लस 18 डिवाइड 3, और यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल पावर, इसे हम लोग पावर कहते हैं ना, ये पावर वर्ड है। तो ध्यान रखिएगा पावर सबसे पहले सॉल्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और 9 से 18 काट दोगे तो 2, तो देखिए हो चुका है 1-4 प्लस 2, इतना हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 2 और 1 3, और 3 से -4 माइनस होगा तो -1 आएगा, तो इसका आंसर सी वाला होगा, -1। इसे जब भी सॉल्व करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब ऑपरेटर जो हमारे लिए गए हैं उसमें जो पावर है इसकी प्राथमिकता सबसे पहले होती है, फिर डिवीजन की होती है, फिर प्लस की होती है, फिर माइनस की होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर हम देख पा रहे हैं थर्ड गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है, एमएस पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड कि दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया। देखो दूसरी प्रति है ना, दूसरी प्रति का मतलब यहाँ डुप्लीकेट। तो जब भी डुप्लीकेट स्लाइड की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस डी होता, बहुत सिंपल है, बार बार पूछता है, इसे याद करिए, ठीक है। चलिए इस क्रम में नेक्स्ट ऑर्डर पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, एमएस वर्ड में कौन सा दृश्य का मतलब व्यू होता है। देखिए यहाँ दृश्य का मतलब व्यू होता है, उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट की ट्री जैसा संरचना दिखाता है। तो देखिए इसमें आपके डॉक्यूमेंट के व्यू होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल स्क्रीन भी एक व्यू होता है, आउटलाइन भी एक व्यू होता है, प्रिंट लेआउट भी एक व्यू होता है, वेब लेआउट भी एक व्यू होता है, और एक इसमें देखिए छूट गया है जो ड्राफ्ट व्यू है, 5 व्यू होते हैं। देखो ट्री का मतलब ये ऐसे, देखिए ऐसे ब्रांच बना देता है, सिंगल सिंगल लाइन, तो ये देखिए आपका आउटलाइन होता है, इसका सही आंसर होगा आउटलाइन। जब भी यहाँ पूछेगा ट्री जैसी संरचना, तो हम बोलेंगे आउटलाइन देता है, इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 और 9 के ASCII कोड में कितने का अंतर है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए 9 को हम लिख सकते हैं 1001, और 5 को हम लिख सकते हैं, हमें पता होगा 4 को हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ 4 की हम बात करें, सॉरी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 9 को हम लिख सकते हैं 1001, और 5 को हम लिख सकते हैं
अगेन देखिए मिस्टेक हो जा रहा, 5 मेरे दिमाग में चल रहा, 9 को हम लिख सकते हैं 1001 और 4 को हम लिख सकते हैं 0100, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो। तो देखो 1 से 0 गया, यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 1 आ गया, 0 से 0 गया तो 0 आ गया, 0 से 1 जाएगा तो 1 आ गया, यहाँ से 1 हट चुका है। एक किसका बाइनरी है, तो ये 5 का बाइनरी है, तो हमारा आंसर बी सही होगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूरा नाम, IC, VLSI एक IC होता है, इसे हम लोग IC कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए कहाँ लिखा गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वर्ड देखना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी वाला ऑप्शन सही है, है ना। एक एक वर्ड को वहाँ मिलाइएगा, एक एक वर्ड पे गलती क्रिएट होती है, तो फुल फॉर्म जब भी हम काम करें तो एक एक वर्डों पर ध्यान करें। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड में आप बना और चला अक्षर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, बना पहले से जो बना हो, है ना, जो पहले से बना हो, जिसे हम लोग प्री डिफाइन कहते हैं, जो चीज़ें पहले से बनी हो और उसका हम उपयोग कर पाएँ, है ना, उसको जब आवश्यकता हो तो चला पाएँ, इसे हम लोग माइक्रो कहते हैं ना, माइक्रो, बी वाला ऑप्शन सही है, है ना। आपका जो माइक्रोज होते हैं ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। अब देखो इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब होता है कि नेटवर्क, अब नेटवर्क पर हमें उसकी पहचान चाहिए, तो किसी भी नेटवर्क पे जो पहचान देता है वो IP होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो उनका IP एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड से मतलब नहीं है, कंपनी से मतलब नहीं है, मॉडर्न कनेक्शन तो ठीक है, पर देखिए प्रत्येक कंप्यूटर के लिए जुड़े हों, है ना, क्या होना आवश्यक है, उनका एक IP होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत, असंगत का मतलब अलग, है ना, असंगत विकल्प आपको चुनना है, असंगत विकल्प आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा, असंगत विकल्प हम लोगों को चुनना है। अब यहाँ असंगत का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस चारों में असंगत, एक गीगाहर्ट्ज़ है, एक एम फ्लॉप्स है, एक MIPS है, तो देखो ये तीनों कंप्यूटर की स्पीड है, है ना, इन्हें कंप्यूटर की स्पीड कहते हैं, कंप्यूटर की स्पीड है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों संगत हो गए। असंगत है गीगाबाइट, ये मेमोरी से संबंधित है, बोलो किससे संबंधित है, तो मेमोरी से संबंधित है, तो डी वाला ऑप्शन असंगत होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा और एप्पल क्या है। तो हमने पढ़ाया है कि मोजिला ओपेरा एप्पल, है ना, एप्पल का मतलब एप्पल सफारी, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं, इन सबको हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, MS Excel के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। एक्सेल को समझिएगा, एक्सेल वर्ड को समझिएगा, देखो वर्कशीट के प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट एड्रेस होता है, तो असत्य पूछा ना, ये तो सत्य है, जी हाँ एक एक सेल की पहचान होती है। वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। वर्कबुक में प्रत्येक वर्कशीट का एक विशिष्ट नाम होता है, बिल्कुल सत्य बात है। किसी वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम नियत होता है, उसे बदला नहीं जा सकता, ये गलत है। हम दो को पहले कर सकते हैं, एक को बाद में कर सकते हैं, चार को पहले कर सकते हैं, पाँच को बाद में कर सकते हैं, तो ये आपका देखिए असत्य है। तो असत्य का मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा असत्य है, क्लियर है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्लियर बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए, जहां डाउट होता है आप बाद में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट संरेखण क्या होता है। देखो संरेखण को हम लोग इंग्लिश में अलाइनमेंट कहते हैं, ध्यान रखना, तो अलाइनमेंट चार होते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट होता है, ए वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। कितने सरल प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने हैं, और अगर आपको कोई कंप्यूटर में डाउट होता है तो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन बैच हमारा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर आप अपने, है ना, कुछ वीडियो देख सकते हैं, अपने आप को थोड़े से, है ना, अपडेट कर सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं, और पूरी क्लास के लिए आप हमारे ऐप को जरूर ज्वाइन करिए, क्लास को जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको कंप्यूटर में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक संपीड़न है। संपीड़न का मतलब देखिए कंप्रेस, इसे हम लोग कहते हैं कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब जो सॉफ्टवेयर फाइलों को छोटा कर दे, कंप्रेस कर दे, ना छोटा करना, फाइलों को छोटा करना, तो यहाँ देखिए विंडोज़ तो करता नहीं, OS है, MS वर्ड करता नहीं, राइटर करता नहीं, ये PDF बनाता है, तो विनजिप नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं विनजिप, है ना, ये क्या करता है, फाइल को कंप्रेस करता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 14 नंबर,
MS Excel 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्ड का उपयोग करना चाहिए? तो 31 वर्ड, इसे याद कर लो, है ना। अगर आप नाम लिखते हैं तो नाम अधिकतम 31 वर्ड का होना चाहिए, 32 वर्ड का नाम नहीं हो पाएगा। मान लो जैसे मैंने एक फाइल बनाया, लिखा हमने सलोरी या हमने लिखा UPPCL, तो 31 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 50 नंबर देखो, MS Word 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में किस आकार के डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि आपका A5 पेपर भी होता है, A6 भी पेपर होता है, A7 पेपर भी होता है, लीगल पेपर भी होता है, एग्जीक्यूटिव पेपर भी होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये सब पेपर के नाम होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी पेपर होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। A5 बना सकते हो, लीगल बना सकते हो, एग्जीक्यूटिव बना सकते हो, तो इन सबसे अच्छा विकल्प आपका ए है, तो ए आपका राइट आंसर होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसी क्रम में हम 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे, 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखो 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ध्यान रखिएगा 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 KB बराबर 1024 होता है। तो जब 2 की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर दो इसमें, तो हो जाएगा 2048। कितना हो जाएगा भैया? 2048, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। डाटा निकालना हमें आना चाहिए। 8 रिकॉर्ड सतह और प्रति ट्रैक 8 भाग वाली हार्ड डिस्क पर विचार करें। यदि कुल भागों की संख्या 320 है तो प्रति रिकॉर्ड सतह पर कितने ट्रैक होंगे? ध्यान रखिएगा, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न दे रहा है। देखो क्या कह रहा है कि कोई हार्ड डिस्क है उसमें 8 सतह है, लेयर। देखो किसी हार्ड डिस्क में लेयर होता है, जैसे आपने कहा हार्ड डिस्क में लेयर है, बोलो कितने लेयर हैं? तो आपने कहा सर 8 लेयर हैं, और 8 लेयर में प्रति 4 ट्रैक, एक एक पे 4 ट्रैक हैं, तो टोटल कितने ट्रैक हो गए? 32 ट्रैक हो गए। अब पूछ रहा है कि अगर 320 भाग दिए हैं तो कितने ट्रैक होंगे? तो 320 भागे 32, इसका मतलब टोटल आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 आपका आंसर सही होगा। चलिए इसे एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है, अदरवाइज कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। एमएस एक्सेल में देखिए एक फार्मूला लिखा गया है, लिखा गया इक्वल सम, पर आगे की वैल्यू नहीं लिखी गई। जब आगे की वैल्यू नहीं लिखते हैं तो ये एक एरर देता है, इस एरर को हम लोग कहते हैं हैश नेम। इसका नाम होता देखिए हैश नेम, है ना, ये हैश नेम एरर होता है, इसी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, कराया भी है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्लाइंट प्रोग्राम को अस्थाई कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेश को बदलने की अनुमति देता है? तो ये प्रोटोकॉल होता है, ऐसा काम प्रोटोकॉल हमें कराता है, और ये प्रोटोकॉल होता है IMAP। IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आपका IMAP होता है जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर बिना बदलाव किए सर्वर पर सीधे मेल में बदलाव कर देता है, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में 20 नंबर पे चलेंगे, निम्नलिखित को उनकी डाटा संसाधन क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखो बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा माइक्रो होता है, माइक्रो से बड़ा मिनी होता है, और मिनी से बड़ा है ना मेन फ्रेम होता है, तो सी वाला ऑप्शन बड़ा है ना, सी वाला ऑप्शन सही है, बढ़ते क्रम में लगा दिया हमने। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सत्य और असत्य है? ध्यान देना, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट को चुना जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, आप टेम्पलेट चुनकर उसे वैसा बना सकते हो। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस एंड नहीं होता, कंट्रोल प्लस एंड होता है, ध्यान रखिए कंट्रोल प्लस एंड, एक गलत हो गया और एक सत्य हो गया, तो सत्य और असत्य बी वाला ऑप्शन सही होगा, एक सत्य और एक असत्य, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या सही है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? गलत बात है, ये गलत बात हो गया, ये आपका गलत बात हो जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होता, एप्लीकेशन होता, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग है, ये सत्य है। तो असत्य और सत्य, इसमें देखिए असत्य और सत्य, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर, एमएस वर्ड में कौन सा उपकरण चयनित टेक्स्ट को पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है? देखो यहाँ कॉपी नहीं कह रहा, वो कह रहा कि जैसे हमारा फॉन्ट होगा, साइज होगा, स्टाइल होगा, हेडिंग होगा, मार्जिन होगा, उन सब को हमें कॉपी करके दो, तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, इसमें आपका फॉर्मेट पेंटर होता है, और फॉर्मेट पेंटर जो है ब्रश सिंबल को रखता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है। यस रैम डी रैम से तेज होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यस रैम ट्रांजिस्टर और लैस से बना होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परपथ की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। यस रैम को सिंक्रोनस कहते हैं, नहीं सिंक्रोनस कहाँ होता है, इसका नाम स्टैटिक होता है, इसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं। तो इसमें असत्य डी वाला असत्य है, बोलो कौन वाला असत्य है, डी वाला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा डियर। लास्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या करता है? नाउ एक फंक्शन है जो करंट डेट और करंट टाइम को लिखता है। देखिए करंट डेट लिखेगा और साथ में हम लोगों के साथ देखिए करंट टाइम लिखेगा। तो ध्यान रखना करंट डेट करंट टाइम को लिखने वाला आपका फंक्शन नाउ कहलाता है। अगर यहाँ टुडे कहता है तो टुडे केवल डेट को लिखता है, टाइम को नहीं लिखता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसका सोल्यूशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। और पेड क्लास के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, टेक्निकल के भी कंप्यूटर के भी। और साथ में ऑफलाइन बैचेस हमारे बैच पर चल रहे हैं, क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो गई हैं ब्रांच पर। किसी भी प्रकार की अगर इंक्वायरी लेना है तो मेरे मोबाइल नंबर 7705077167 देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, और साथ में व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग कल मिलते हैं और आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 से 50 वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, ओके, थैंक यू।